नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए जो ये महामारी का ये जो समय चल रहा है बड़ा ही विकट है और हम सबके लिए भी ये सोचिए कि असहनीय है, लेकिन अब जब इतने दिन हो चुके हैं तो थोड़ी सी आदत भी पड़ चुकी है कि हम इसका पालन स्वतः ही करने लगे हैं। एक हमारी हैबिट में आ गया है, जिस प्रकार से हमारी दैनिक दिनचर्या हुआ करती है, हम सुबह उठते हैं, अपना जिस प्रकार से काम करते हैं, तो इस लॉकडाउन की अवधि में भी हमने अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो थोड़ी लगभग सेट कर ली है और अपने हिसाब से हम लोग काम चला रहे हैं अपना। लेकिन दोस्तों, एक हमारे अंदर एक जो भावना होती है, एक जिज्ञासा होती है कि जाने की बाहर क्या हो रहा है। हालांकि हम बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन बाहर क्या हो रहा है ये जानने की हमारी पूरी पूरी जिज्ञासा रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि लॉकडाउन की अवधि में लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है। जैसा कि मैं भी लॉकडाउन का पालन कर रही हूँ और घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, लेकिन जिस तरह से हम लोग टीवी में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय अखबार भी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है हमें सूचना देने का, और जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी बहुत ही जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो हमें सच्चाइयों से रूबरू करता है और साथ ही हमें बार बार ये जानकारी देता रहता है कि कहाँ कितने व्यक्ति संक्रमित हैं, कौन सा इलाका है जो रेड जोन में आ रहा है, कौन सा इलाका है जो ग्रीन जोन में आ रहा है, किस इलाके में जाना सुरक्षित है और किस इलाके में जाना सुरक्षित नहीं है। तो सोशल मीडिया से अगर हम जुड़े रहते हैं पूरी तरह से कम ये पता चलता रहता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है। वैसे तो घर से जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आपकी अगर ड्यूटी लगती है, या आप सफाई कर्मी हैं, या आप डॉक्टर्स हैं, या फिर आप और भी मीडिया कर्मी हैं, या कहीं आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इसकी जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से ही मिलती है और कई ऐप ऐसे जैसे कि आपका जो आरोग्य सेतु है, इस तरह के कई ऐप भी गवर्नमेंट ने निकाले हैं जिसके माध्यम से वो भी आपको ट्रैक कर सकती है और आप भी अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं और लोगों को ट्रैक कर सकते हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है। तो हमें पता चल सकता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। घर से बाहर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तो इसलिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है। अगर आप बिना मतलब जाएंगे और आप ये सोचें कि चलो आज तफरी हो जाए थोड़ी सी, चलिए आज मॉर्निंग वॉक नहीं हुई तो मॉर्निंग वॉक कर आते हैं, या चलिए इवनिंग वॉक कर आते हैं, या फिर कुछ सामान ले आते हैं जो आवश्यक नहीं है। और देखिए, जब हमारे घर में हम रह रहे हैं तो घर में हमारे लगभग सारा सामान इतना होता है कि हम एक डेढ़ महीना आराम से निकाल सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो वो हम मंगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिससे हम कैसे ना कैसे विकल्प चुनकर देखकर हम अपना काम चला सकते हैं। तो बाहर क्या हो रहा है ये हम बात करते हैं। बाहर पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी आवर्स के अलावा घर से बाहर निकलें, तो ड्यूटी आवर्स के अलावा अगर आप निकलते हैं तो हमारे घर के बाहर भी कुछ दूरी पर जाने के बाद जब चौराहा आता है तो वहाँ पर भी डिवाइडर्स लगे हुए हैं और पुलिस के सामने से होकर आपको निकलना पड़ता है और कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जो आपको ट्रैक कर रहे हैं कि आप कितनी बार इस रास्ते से निकले, आप किस समय इस रास्ते से निकले। अगर आप अपने वर्किंग आवर्स में निकलते हैं तो कोई बात नहीं, और वो भी आप मास्क पहनकर गए हैं, हाथों में आपने ग्लव्स पहना है, पूरी तरह से हेलमेट वगैरह लगा रखा है आपने, पूरे प्रिकॉशंस के साथ आप गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप अपने वर्किंग आवर्स के अलावा भी आप सोचते हैं कि चलो पास तो है ही अपने पास, या अपन को निकलने की इजाज़त तो है ही, तो क्यों ना तफरी मार ली जाए, तो इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भी बराबर ट्रैक किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि बाहर हम ये सोचें कि बाहर कोई हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मेडिकल शॉप्स खुली हुई हैं, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, ATM खुले हुए हैं, कई दुकानें भी जैसे एक निश्चित समय के लिए खुलती हैं कि सुबह 9 से 12 तक खुलेंगी, या बड़े बड़े जो ये मार्ट हैं वो भी 2 बजे तक खुलेंगे, या सुबह 10 से 2 तक आपको सामान मिल सकता है, आप ले सकते हैं। एक सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के बाद जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ नहीं है वहाँ पर आप एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज निकलें घर से बाहर। बहुत सारे लोग हैं जो अभी डेली तो दूध लेने के लिए जाया करते हैं, काफ़ी लंबी दूरी तक जाकर आते हैं, वो रोज़ दूध लेकर आते हैं,
तो आप देखिए जब आप इतनी दूर तक निकलते हैं तो कितनी बार आप संक्रमण के संपर्क में आ सकते हैं, किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई मिल गया तो आप रुक भी जाते हैं, किसी और काम से भी रुक जाते हैं। जब आपको लगता है कि इतनी दूरी तो हम जा ही रहे हैं दूध लेने के लिए, तो क्यों ना रास्ते से कोई और सामग्री भी खरीद ली जाए, कहीं और ही देख लिया जाए, माहौल ही देख लिया जाए। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि संक्रमण के संपर्क में आ सकते हैं। दूसरी बात है कि काफ़ी लोग जो है वो निकल रहे हैं घर से बाहर, और काफ़ी लोग जो है वो घर के अंदर ही बैठे हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और वाकई में वो समझदार लोग हैं। तो बाहर क्या क्या चल रहा है, हम ये बात कर रहे थे तो मेरे मन में भी फिर से ये जिज्ञासा हो गई कि अपन बात करें कि बाहर क्या क्या चल रहा है। एक तो पुलिस मुस्तैद है जो आपको कहीं जाने नहीं दे रही है, और बाहर आपकी सुविधा के लिए सारी सामग्री है, सब कुछ तैयारियां हैं। अगर आपके आसपास किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो बना बनाया भोजन भी सरकारी कर्मचारी घर घर पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली लिस्ट बनी हुई है, हर क्षेत्र की एक लिस्ट बनी हुई है, घरों को उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसमें कि कौन कौन से घर हैं जहां पर भोजन सामग्री पहुंचाई जानी है, चाहे झुग्गी झोपड़ियां हो चाहे वो घर हो, भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा कच्ची भोजन सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, और काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, और जितना हमें मिलना चाहिए मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सहायता कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई कारण है जिससे कि हम घर से बाहर निकलें, और काफ़ी जगह के जो है मोबाइल नंबर हमें दिए हुए हैं, आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। अगर आपको राशन मंगवाना है, सामान मंगवाना है, तो दुकानों के नंबर आपको दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉल करके फ़ोन करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए, तो आपको वो सामग्री घर बैठे मिल जाती है। तो आपको बाहर निकलने का मुझे नहीं लगता कोई रीज़न है। इसके अलावा बैंकिंग का अगर कोई काम है तो बैंकिंग का काम भी है, तो आप अपने एटीएम से कर सकते हैं, और एटीएम अगर आपके घर के पास है तो ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि एटीएम में भी बार बार लोग हाथ लगाते हैं, तो वहाँ भी संक्रमण हो सकता है, और निश्चित रूप से हो सकता है। एटीएम में अगर आप बार बार छूते हैं जाके वहाँ के दरवाजे को, या वहाँ जो आप कार्ड लगाते हैं उस स्थान को बार बार छूते हैं, बटन दबाते हैं, तो उस स्थान को बहुत सारे लोगों ने छुआ है, तो निश्चित रूप से आपको संक्रमण लग सकता है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आप अपने इस मोबाइल फ़ोन से सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। इसमें आप अपने जो भी बैंक का खाता है उसको आप ऐड कर लीजिए, और बैंक का खाता ऐड करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने सारे बिजली के बिल, पानी के बिल, और जो भी किसी दुकानदार को देना है, दूध वाले को देना है, वो खाते से खाता मैंने ट्रांसफ़र किए हुए हैं पैसे, और मुझे कभी काफ़ी पैसों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। एक बार मैंने एटीएम से पैसे शुरू में निकलवाए थे लॉकडाउन से पहले, और अब तक वो चल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका पेमेंट हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो चाहे नेट आपको रिचार्ज करवाना है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि खाता सभी के पास है, हर व्यक्ति का अपना एक खाता खुला हुआ है। आप उससे खाता नंबर ले लीजिए, आईएफएससी कोड ले लीजिए, और उसे अपने उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रीज़न है। इसके अलावा भी देखिए कि पुलिस वाले भी जो रोक रहे हैं या आपको डांट रहे हैं, या मैंने देखा कि अभी बहुत सारे पुलिस वालों ने तो आरती उतारी थी लोगों की कि वाह भाई ऐसा लॉकडाउन चल रहा है और आप बड़े महान हैं जो आप घर से बाहर निकले हैं। कुछ लोगों ने दंड स्वरूप उनको मुर्गा बना दिया, मुर्गा बना के चलाया थोड़ी देर, कि उन्हें ऐसा लगे कि अगर हम निकलेंगे तो इसी तरह से हमें हमारा टाइम खराब होगा, तो शायद वो अगली बार से ना निकले। इसके अलावा कुछ लोगों को शपथ दिलवाई कि अब हम कभी इस लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलेंगे बिना काम के, बिना मतलब के तफरी करने या शॉपिंग करने या कुछ लोगों से मिलने, अपने रिश्तेदारों से मिलने, अपने जानकारों से मिलने, कहीं भी हम नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की शपथ भी दिलवाई गई। तो इस तरह की गतिविधियां इसलिए की जा रही हैं ताकि हम इसको समझें कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, और ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गीत आ रहे हैं जो कि आपको समझाने के लिए गाए जा रहे हैं, और काफ़ी गीत हैं और बहुत ही कर्णप्रिय गीत हैं, मैंने भी काफ़ी सुने थे, और मौका नहीं है कि मैं आपको सुनाऊं। और वैसे भी हम लोग सुनते आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो एक तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि आपको लगे नहीं कि आप पर कोई प्रतिबंध लगाया है या आपको जबरदस्ती घरों के अंदर रखा हुआ है।
आपको ऐसा ना लगे, इसलिए आपको थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए इस तरह के गीत वगैरह भी दिखाए जा रहे हैं, कई वीडियोस भी आपके पास आ रहे हैं और आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है ताकि आप ये जो लॉकडाउन है वो स्वयं पर लागू कर सकें। क्योंकि देखिए, जब हमारे ऊपर कोई दूसरी चीज़ लागू करते हैं, कोई भी दूसरा हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल हम उसको मानना नहीं चाहते। लेकिन जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए है और हमें ये करना चाहिए, तो बेशक हम लोग खुद तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। और फिर ना हमें बोरियत महसूस होती है घर में, ना ही हमें कुछ भी बुरा लगता है और ना ही किसी चीज़ की हमें कमी महसूस होती है। अगर होती भी है तो हम किसी भी तरह से चला लेते हैं कि चलिए, जितने भी सामान हमारे घर में हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे घर में हैं, हम उन्हीं से अपना काम चला लेते हैं और जो कुछ भी हमारे घर में है उन्हीं में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। उसी में, जैसे कोई लूडो खेल रहा है, कोई सांप सीढ़ी खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई ऑनलाइन टीचिंग करवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है और कुछ लोग हैं जो अपना ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने घर के अंदर ही अपने मन लगाने का साधन भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि जिंदगी अभी ठहरी हुई है, वक्त ठहरा हुआ है, तो क्यों ना हम भी ठहर जाएं। और अगर हम वक्त के साथ ठहर गए तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कहते थे कि वक्त के साथ चलना चाहिए। तो जब वक्त चल रहा था, तेज गति से दौड़ रहा था, हम भी दौड़ रहे थे, भाग रहे थे तरक्की की दौड़ में और इतनी आगे निकल गए कि वक्त ने कहा कि बस अब रुक जा थोड़ी देर, थोड़े समय मेरे साथ। तो चलिए, वक्त का भी साथ देते हैं और थोड़े समय के लिए अपने घरों में ही रुक जाते हैं। और जब वक्त की रफ्तार तेज होगी और वो भी दौड़ने लगेगा तो हम भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ेंगे अपनी उसी तरक्की की राह पर। तो तब तक के लिए, जब तक कि लॉकडाउन चल रहा है, तब तक घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना मतलब यहाँ वहाँ तफरी करने के लिए ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा मेंटेन करके रखें। मास्क लगाने का तरीका सीखें, किस तरह से मास्क लगाना है, मास्क को किस तरह से उतारना है और अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, साबुन से धोते रहना है, क्योंकि साबुन के संपर्क में आते ही कोरोना वायरस का जो ये वायरस है ये डिवाइड हो जाता है, ये बट जाता है, कणों इसके जो कण होते हैं वो कण और भी बारीक बारीक कणों में विभक्त होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने हाथों को भी साबुन से धोते रहिए। और ये जो हमारे कल्चर में था, जो हमारी संस्कृति में था कि हम अपने हाथों को बार बार धोते थे, कहीं भी हाथ लगाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, या किसी भी ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले, या कोई भी सामान को, घरेलू सामान जो भी हुआ करता था, खाने पीने का कोई भी सामान जो हमारे मुंह के माध्यम से हमारे अंदर जाने वाला होता था, या कहिए जो हम मुंह के माध्यम से जिसका हम उपयोग करते थे, तो हम हमेशा हाथ धोकर ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और आज भी हमसे यही कहा जा रहा है कि अपने हाथों से बार बार अपनी नाक को, अपने मुँह को, अपने चेहरे को मत छूइए अगर आपके हाथ गंदे हैं तो। और आप उन हाथों को बार बार धोते रहिए और अच्छे से धो के उसे सैनिटाइज कीजिए ताकि आपके हाथों में कोई बैक्टीरिया ना हो, क्योंकि मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से ही वो वायरस अंदर जाने का प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है और आपको संक्रमित कर सकता है। तो चलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने संस्कारों का भी पालन कीजिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जो आपसे जो बड़े कहते थे पहले, वो आज आपसे गवर्नमेंट कह रही है। जिस तरह से बड़े लोग आपका ध्यान रखना चाहते थे, उस प्रकार से गवर्नमेंट आपका ध्यान रख रही है, आपको सचेत कर रही है, आपको बता रही है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी बातों को माने और सुरक्षित रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।